हेलो फ्रेंड, मैं मोनिका। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रसोई घर बाई मोनिका में। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सावन के हर रविवार को आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लाऊंगी, सावन स्पेशल, उपवास स्पेशल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ साबूदाने की खीर। तो चलिए हम बनाते हैं साबूदाने की खीर। तो फ्रेंड देखिए, साबूदाने की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी साबूदाना, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के अभी छान लिया है छलनी से। सभी पानी हम इसे निकाल देंगे। और मैंने यहाँ पे ली है 1 कटोरी चीनी, और कुछ हमने यहाँ पे 1/2 कटोरी 10 से 15 बादाम, जिसे मैंने 20 से काट लिए छोटे छोटे टुकड़ों में। और हम यहाँ पे 1 कटोरी के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1/2 केजी दूध। इस खीर को बनाने की विशेष बात यह है कि हमें दूध को पहले ही सिझा लेना है। ये तुरंत बनके तैयार होती है, क्योंकि साबूदाना जो है वो बहुत जल्दी दूध में अपना आप को अब्जॉर्व कर लेता है। इसीलिए इस खीर को जब आप बनाएं तो तुरंत जब आपको खानी हो उसी समय आप इसे बनाइए। अब देखिए, मैंने इस 1/2 केजी दूध को 15 मिनट तक गैस पे धीमी आंच पे सिझा लिया था, और मेरा दूध इतना बचा है। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी जो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली थी उसे। चीनी डालने के बाद मैं इस दूध को ऐसे 1 मिनट तक चलाऊँगी, ताकि जो हमारी चीनी है वो दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें बादाम और साबूदाने डालेंगे। दूध को आपको जितना पकाना है, शुरू में आप जैसी खीर खाते हो वैसा पका के रेडी रखिए। फिर इसमें तुरंत तुरंत हम इसमें चीनी डालेंगे, साबूदाना डालेंगे और बादाम डाल के तुरंत गर्मा गर्म इसे पियेंगे। इसे हमें बना के नहीं रखना है, नहीं तो ये हमारी पूरी जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, हमारी जो चीनी है वो इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ बादाम, इसके अंदर डाल रही हूँ, और जो 1 कटोरी साबूदाना मैंने यहाँ पे भिगोया था वो इसमें मैं डाल रही हूँ। साबूदाना डालने के बाद हमें जो है इसे 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पकाना है। देख सकते हैं आप, अब इसे मैं इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक चलाते रहूँगी। देखिए फ्रेंड, 3 मिनट तक मैंने इसे चलाया है। देख सकते हैं हमारे जो साबूदाने थे वो इसमें पूरी तरह से फूल चुके हैं, क्योंकि हमने दूध को पहले ही 15 मिनट तक सिझा लिया था। इस खीर को आप कभी भी बनाएं तो दूध को पहले ही पका लीजिएगा, फिर इसमें हमें सारी चीज़ें जो है डालनी है, क्योंकि साबूदाने की खीर है ये बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको कुछ भी पसंद हो आप सभी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो साबूदाने की खीर है उसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें 2 इलायची को मैंने यहाँ पे कूटा है, इससे थोड़ा फ्लेवर जो है वो अच्छा आएगा, और इसे बादाम से सजा के हम इसे गर्मा गर्म खाएंगे। अगर आपको और भी ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश जो भी पसंद हो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, और इसे हमें तुरंत तुरंत बना के तुरंत तुरंत गर्मा गर्म खानी है। आप देख सकते हो कितनी झटपट हमारी ये साबूदाने की खीर बनके तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड, आज मैंने अपने रसोई घर में आपको सावन स्पेशल बताई है साबूदाने की खीर। मैं आपको पहले फाफड़ की रोटी, आलू की फलिहारी सब्जी, सामक के पुलाव, रायता, सिंघाड़े के आटे का हलवा, और भी जो सावन स्पेशल रविवार को मैंने आपको जो डिशेज़ बताई थी, सिंघाड़े का हलवा, वो सभी मैंने आपको बताया है। सावन स्पेशल, उपवास स्पेशल, आप उसे अभी जो नवरात्रि उपवास आएगा उसमें भी वो सभी चीज़ें खा सकते हैं। इसीलिए आज मैंने आपके लिए सावन के आखिरी सोमवार के लिए बनाई साबूदाने की खीर, जिसे हम सावन के कल सोमवार को बना के खाएंगे। इसी तरह से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ताकि अभी जो नेक्स्ट जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है उसके लिए भी मैं बाल गोपाल स्पेशल बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद ला रही हूँ, जिसे बाल गोपाल जी को बहुत पसंद है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और सबको बोले सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।